सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले कुछ नए अपडेट के बारे में, जो कि जल्दी आपको गेम में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे यार, मैंने ये वाला वीडियो जब डाला था तो उसमें बहुत बंदों ने कमेंट किया था कि एडवांस सर्वर कैसे मिलेगा और प्लेयर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। इन सारे सवालों का भी जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री फायर की ऐसी वीडियोस देखने के लिए नेशनल गेमर को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला अपडेट जो निकल के आता है वो है नए पेन की स्किन को लेके। तो आपने यार ये फोटो बहुत पहले, मतलब 6-7 महीने पहले ही ये फोटो लीक हो चुका था। तो ये वाला फोटो में आप देख सकते हो कि जो पेन का स्किन है ये आने वाला है। बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर को नया इलाइट पास आएगा। आपको बताया होगा हर महीने नया इलाइट पास आता है, तो 1 दिसंबर को यानी इस महीने का जो नया इलाइट पास आने वाला है, तो उसके साथ में जो है पेन का स्किन भी आने वाला है। इसमें होगा क्या, बेसिकली एक इवेंट होगा, तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर आप इस महीने का इलाइट पास बाय करोगे तो आपको जो है ये पेन का स्किन बिल्कुल साथ में फ्री में मिल जाएगा गाइस। लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं है। तो आप क्या करना, जब ये नया इलाइट पास आ जाए, अगर ये इवेंट आता है तो इलाइट पास के साथ में आ जाएगा, तो जब नया इलाइट पास आ जाए तो आप अपने इवेंट वाले सेक्शन में जाके देख लेना। अगर आपके अंदर भी ये वाला ऑप्शन आता है फिर आप इलाइट पास बाय करोगे तो आपको साथ में जो है पेन का ये गोल्डन वाला स्किन जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सो गाइस चलो यार, बढ़ते हैं अपने दूसरे अपडेट की ओर। सो गाइस यहाँ पे जो दूसरा अपडेट निकल के आता है वो है नए आने वाले मोड्स को लेके। आपको पता होगा यार, जब भी फ्री फायर में कोई अपडेट आता है, मतलब जो 2 महीने बाद हर बड़ा अपडेट आता है, तो उसके बाद जो है गेम में कुछ नए मोड देखने को मिलते हैं। तो इस बार जो है 2 नए मोड आने वाले हैं जो 100% कन्फर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहला जो मोड है उसका नाम अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये एक PvE मोड होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वाली जो फोटो है इसके अंदर आपको जो मोड दिख रहा है वो वाला होगा। और इसके साथ आपको एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ। तो इसके अंदर मतलब ये कैसा मोड होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बताऊँगा यार, जो ज़ोंबी मोड था तो ज़ोंबी मोड के पीछे भी PvE लगाया जाता था, और ये वाला जो मोड है इसके पीछे भी PvE लगाया जाता है। तो इस PvE को देख के लोगों का मानना है कि यार PvE दोनों में सेम है। तो उस वाले में जैसे सामने एनिमी नहीं आता था, मतलब कोई कंप्यूटर आता था, मतलब ज़ोंबी आता था, तो इसी तरह से जो है इस वाले मोड में भी एनिमी नहीं आएगा, ऐसा माना जा रहा है। और गाइस जो इसमें ड्रेस दिखाया जा रहा है, तो ये वाला ड्रेस जो है यहाँ पे कोई इवेंट आने वाला है जिसका फोटो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको पता होगा यार, एक रेड समुराई करके एक बंडल है, उसका भी इवेंट कुछ इसी तरह का आया था। तो इसका भी इवेंट कुछ इसी तरह का आएगा। इसके अंदर जो है आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा हाई चांस वाला स्पिन, दूसरा होगा लो चांस वाला स्पिन, और तीसरा होगा चांस बढ़ाने वाला स्पिन। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्पिन होंगे, उनको करके जो है आप इस बंडल को ले सकोगे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं दूसरे मोड के बारे में। तो यहाँ पर दूसरा मोड जो है उसका नाम है स्नोबॉल मशीन। तो स्नोबॉल मशीन इस मोड का नाम होगा, और इसके नाम पे से हम ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कोई स्नोबॉल की कोई मशीन नाम की कोई गन आएगी जिसका हम इस मोड में यूज़ कर पाएंगे सामने एनिमी को मारने के लिए। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें स्नोबॉल यानी कि मतलब जो बर्फ़ होती है वो हो सकती है, और उसका हम यूज़ कर पाएंगे किसी गन के अंदर और उससे उस एनिमी को मार पाएंगे। ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बताना। और गाइस जो इसमें जो फोटो में जो ड्रेस दिख रहा है, तो ये वाला ड्रेस जो है बिल्कुल भी फ्री में नहीं आएगा। मेरे को जब तक कि लगता है और जब तक कि लीक के अंदर बताया जा रहा है, ये वाला कॉस्ट्यूम जो है डायमंड रोल के अंदर आ सकता है, और अगर डायमंड रोल में नहीं आता है तो ये किसी इवेंट के अंदर आएगा, लेकिन फ्री में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा इवेंट आएगा जिसमें आपको डायमंड लगा के स्पिन करना पड़े, और वहाँ पर जो है आप इसको ले सकते हो। सो गाइस कमेंट में ज़रूर से बताना कि ये वाला जो आपको कॉस्ट्यूम है ये कितने डायमंड तक अगर मिलेगा तो आप इसको लेने का ट्राई करोगे। सो गाइस चलो यार, बढ़ते हैं अपने दूसरे अपडेट की ओर। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि यार गोल्ड रॉयल जो है ख़त्म होने वाला है, और साथ ही साथ नया अपडेट आने वाला है। तो आपको पता होगा कि गोल्ड रॉयल जो है हर बार की तरह बदलाने वाला है। तो बहुत बंदे यार ये वाला फ़ोटो देख लिए होंगे। इस वाले फ़ोटो में बताया जा रहा है कि ये वाला जो है हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होने वाला है। अगर बात करें कि ये क्या ये गोल्ड रॉयल सच में होने वाला है, तो 100% ये गोल्ड रॉयल नहीं होने वाला है।
ये जो बंडल आपको दिख रहा है ये गोल्ड रॉयल में आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। जितने भी जो अकाउंट्स है जो लीक प्रोवाइड करते हैं, आपको पता होगा यार बहुत से ऐसे अकाउंट है, बहुत से यूट्यूब चैनल है जो फ्री फायर की ऑफिशियल लीक जो है सबसे पहले देते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फोटो है बिल्कुल एडिटिंग किया हुआ फोटो है और ये वाला बंडल जो है आपको गेम के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो गोल्ड रॉयल की बात की जा रही है तो ये गोल्ड रॉयल में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सो गाइस यहाँ पे जो दूसरा अपडेट निकल के आता है वो है वेपन रॉयल को लेके। तो आपको पता होगा यार 4-5 दिन के अंदर जो है हमारा वेपन रॉयल चेंज होने वाला है, तो उसके अंदर कौन सी गन की स्किन आने वाली है तो उसका फोटो जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हाँ, वो हमारी UMP होने वाली है और उसका एबिलिटी की बात करें तो 2 फायर रेट ज़्यादा होगी और 1 डैमेज ज़्यादा होगा और 1 एक्यूरेसी जो है माइनस होगी। ठीक है, सो मेरे पास तो यहाँ पे 15 वाउचर पड़े हैं वेपन रॉयल के, लेकिन मैं बिल्कुल भी स्पिन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि UMP यार इतना खास मैं यूज़ भी नहीं करता और साथ ही साथ देखा जाए तो इसकी एबिलिटी भी इतनी खास नहीं है कि उसके ऊपर जो है हमें कुछ भी वेस्ट करना चाहिए। और मैं भी आपको बोलता हूँ अगर आपके पास है तो रखना, बचाए रखना, और कोई अच्छी वाली गन आए तो उसके अंदर आप स्पिन करना बिल्कुल भी ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर से बताना आपको UMP कैसा लगा। सो गाइस चलो यार बढ़ते हैं अपने दूसरे अपडेट की ओर। सो गाइस एडवांस सर्वर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ छोटे मोटे ऐसे अपडेट है जो बहुत बंदों को पता चल गए होंगे और बहुत बंदों को पता नहीं होंगे तो वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको पता होगा गेम में नए कैरेक्टर आते हैं हर अपडेट के बाद, लेकिन इस बार जो आलोक आया था वो 1 अपडेट के बिना ही आ गया था। तो इस बार जो अपडेट आने वाला है उसके अंदर जो है 2 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, एंजेला एंड एलवारो करके 2 कैरेक्टर होंगे, एक फीमेल होगा और एक मेल होगा। ये दोनों कैरेक्टर जो है आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे नए अपडेट के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर रोबो करके कोई नया पेट आने वाला है। ये तीनों न्यूज़ जो है 100% कन्फर्म हो चुकी है, दो नए कैरेक्टर आने वाले हैं और साथ में जो रोबो करके न्यू पेट आने वाला है। ठीक है, और जब तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है रोबो करके जो पेट आने वाला है वो आपके साथ हवा में उड़ता रहेगा, मतलब आपके साथ साथ चलेगा नहीं, आपके साथ साथ उड़ेगा, मतलब आप चल के चलोगे आपके पीछे वो उड़ता उड़ता हुआ आएगा। और गाइज यहाँ पे जो है 4 नए अटैचमेंट भी आने वाले हैं। तो पहला जो अटैचमेंट आपको दिख रहा है ये लगेगा VSS के अंदर, जो VSS गन होती है SMG वाली, तो उसके अंदर जो है ये वाला अटैचमेंट लगेगा। और जो दूसरा वाला अटैचमेंट है ये लगेगा कार 98 के अंदर, यानी कि जो स्नाइपर होती है उसके अंदर ये वाला अटैचमेंट लगेगा। और ये इसके नीचे वाला जो है वो है मैगजीन, फास्ट मैगजीन, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो लास्ट बचता है ये है M14 करके, जो AR गन आती है उसके अंदर इसको लगाया जाएगा। और इसके यूज़ क्या होने वाले, मतलब फ़ायदा क्या होगा, वो तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। सो गाइस अब बात करते हैं एडवांस सर्वर के बारे में। तो यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 2 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। और मैं आपको एक और बात बता दूँ यार, जो भी बंदे इस वीडियो को देखने के बाद रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो उनको 100% यहाँ पे नहीं मिलेगा। इनमें से जो लकी चूज होंगे उन सभी को जो है यहाँ पे एडवांस सर्वर मिलेगा। तो उसके लिए सिंपली आपको करना ये है, आपको अपने गूगल ओपन करना है और गूगल के अंदर आपको सर्च करना है एडवांस सर्वर फ्री फायर। उसको सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा जिसमें मैं जो ओपन कर रहा हूँ वो वाला लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद आपको लॉगिन विद फेसबुक का ऑप्शन मिलेगा, तो उस बटन का यूज़ करके आपको फेसबुक से लॉगिन कर लेना है। आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा फेसबुक का तो वो दे देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपका नंबर मांगेगा फ़ोन नंबर तो वो भी भर देना है, आपका नाम पूछेगा नाम भर देना है, और आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा वो भी वहाँ पे डाल के आपको ओके कर देना है। फिर आपका स्क्रीन पे कुछ इस तरह का मैसेज आएगा जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा था, पेंडिंग लिखा हुआ आएगा या फिर अप्रूव आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे जो है 3 या 4 तारीख को एडवांस सर्वर जो है खुलने वाला है। तो अगर आप सिलेक्ट हो गए तो कैसे आपको पता चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसी वेबसाइट पे आके चेक कर लेना है, यहाँ पे जो पेंडिंग लिखा हुआ है इस जगह पे पेंडिंग के जगह पे जो है डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर पाओगे। सो गाइस बस यही थे कुछ अपडेट जो मुझे इस वीडियो में आपको बताने थे। तो इनमें से कौन सा अपडेट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।